कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और आईएसआई के इशारों पर देश के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी की पंजाब के अंदर सुरक्षा में भयंकर चूक की गई है, ये दिखाता है कि पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है, जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस पार्टी के हैं और सोनिया गांधी के इशारे पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में पंजाब सरकार द्वारा की गई चूक एक साजिश है। ये जानबूझकर षड्यंत्र पंजाब की कांग्रेस सरकार ने किया है। कांग्रेस की सरकार आईएसआई और पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर काम कर रही है। जिस प्रकार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की जो भारत विरोधी एजेंडे पर काम करने वाली ताकतें भारत के विरुद्ध षड्यंत्र कर रही हैं, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी की पंजाब की सरकार ने सोनिया गांधी के इशारे पर बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है और प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में भयंकर चूक पंजाब के अंदर की गई है। पंजाब को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है। पंजाब और पंजाबी हमेशा देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं। पंजाबियों ने हमेशा देश का झंडा बुलंद किया है, हमेशा तिरंगे झंडे के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन कांग्रेस की जो पंजाब में सरकार है, वो सोनिया गांधी के इशारे पर पंजाबियों को बदनाम कर रही है और पंजाब को बदनाम करने की एक साजिश कांग्रेस की सरकार द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और जिस प्रकार का षड्यंत्र आज सोनिया गांधी जी के दिशा निर्देश पर पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने किया है, पंजाब के लोग कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा व्यवस्था में की गई जो चूक है, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पंजाब के लोग, पंजाब की जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी।